टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं फिरोज हाशमी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा में एक बार फिर मित्तल में बने नए कब्रिस्तान को लेकर हलचल तेज हो गई है। जब से मुमरा में मित्तल ग्राउंड में नया कब्रिस्तान बना है, तब से लेकर अब तक शहर की जनता, समाज सेवक व अन्य लोग, इसमें संस्थाएं भी शामिल हैं, यानी सभी लोग अपने अपने स्तर पर सवाल उठा रहे थे, सवाल खड़े कर रहे थे। जैसे कब्रिस्तान में पानी भर जाने को लेकर, तो कहीं पत्थर निकलने को लेकर आए दिन सवाल उठ रहे थे। यहां तक मुर्दों के साथ बेहुरमती का भी जिक्र सामने आती रही, जिसको लेकर शहर की जनता ने अपनी आवाज बुलंद करते रहे। इसी मुद्दे को लेकर मुमरा यूथ फाउंडेशन पिछले एक साल से मुमरा के मित्तल कब्रिस्तान की भरनी 6 फीट होने की मांग कर रही थी। भरनी को लेकर मुमरा के नगर सेवकों को पत्र दिया था, ठाणे महानगर पालिका को भी पत्र दिया। यहाँ तक सैयद अली अशरफ भाई साहब से मिले, भाई साहब ने आश्वासन भी दिया था 2 महीने में भरनी करवाने की। बहरहाल अब मित्तल के नए कब्रिस्तान में गुजराती मिट्टी की भरनी का काम शुरू हो गई है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखें, 4 फीट भरनी करने का काम शुरू हो गया है। मुमरा यूथ फाउंडेशन के नासिर खान, फाजिल अशरफ, मोहम्मद उमर उर्फ मम्मू आज पत्रकार परिषद कर क्या जानकारी दी है, आप खुद सुनिए इनकी जवानी। आज किस लिए, किस मुद्दे पर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है? अस्सलाम वालेकुम। ये एम एम वैली कब्रस्तान की जो मट्टी को भरने के लेकर हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी, ये 3/2/2021 को हम लोगों ने शुरुआत किया था। हमारे MYF यूथ फेडरेशन ने कि भाई इसके अंदर मट्टी भरनी चाहिए और मरुम मट्टी और पत्थर वगैरह निकालने के लिए हम लोगों ने सारे अधिकारियों को यहाँ से लेकर थाना तक, मुमरा के सारे नगर सेवक को दो दो बार, हमारे यहाँ के MLA सभी लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने लेटर दिए। एक साल से हम लोग इसके पीछे लगे हैं और ये सारे लेटर हैं इसके अंदर, एक के पीछे एक, और सब नगर सेवक से लेके मंत्री साहब से लेके सभी लोग से लेके ये सबको लेटर दिया हुआ है हमारा। और अब जो है ना, वहाँ पर भरनी का काम शुरू हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। जो भी इसके अंदर कराया है हम लोगों को, सिर्फ इसमें एक ही बंदे ने आश्वासन दिया कि भाई मैं ये काम करा के दूंगा, वो है सैयद अली अशरफ। और सैयद अली भाई ने हम लोगों को बोला था कि 2 महीने का मेरे को टाइम दो, मैं बहुत जल्द से जल्द इसके अंदर मट्टी भरने का काम शुरू कराता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने के अंदर हुआ है, लेकिन अभी पता चला है कि कुछ 50 लाख रुपए की मट्टी का कुछ टेंडर वगैरह निकला है, जो भी निकला है। हम चाहते हैं कि भाई उसको कम से कम 5 से 6 फुट मट्टी भरना चाहिए, क्योंकि रोड का लेवल आज ऊपर हो गया है, आप लोग खुद जाके देख सकते हैं। और कब्रिस्तान की कब्रें जो नीचे है, हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाते हुए सिर्फ ये चाहते हैं कि वहाँ पर अच्छे से अच्छा भरनी हो और मुर्दों को तकलीफ़ ना हो। हम लोग का मसला ऐसा है भाई के किसी काम के लिए हम लोग ना किसी के ब्लेम करते हैं, ना किसी को ब्लेम करने की ज़रूरत है। जो भी काम किए हम लोग ने पूरी मेहनत से, तकरीबन 1 साल से किए काम, 1 साल से करने के बाद हम लोग ने हर जगह हर पूरा दिन हम लोग भाग दौड़ किए इसके लिए। सैयद अली भाई के पास गए, सैयद अली भाई ने हमको बोला कि मैंने MLA साहब से बात किया हूँ और 2 महीने का हमको टाइम दिए, जैसा कि नासिर भाई ने बताया, और इंशाल्लाह 2 महीने में ये काम हो गया। अब जब के मट्टी भरनी शुरू हुई तो 50 लाख, कम से कम 1,40,00,000 की मट्टी लगना चाहिए हमारे हिसाब से, करीब कमोबेश 1.5 करोड़ रुपये होगी, तब जाके वो 4 फीट की भरनी होगी। 1.5 फुट का रोड अभी प्लस कब्रिस्तान से ऊँचा है, 1.5 फुट नीचे पहले ही कब्रिस्तान है, अगर 1 फीट 2 फीट डालती तो कुछ फ़ायदा नहीं है मट्टी डालने का। उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे, वो हम उसको मुद्दे को रखेंगे साथ में, हम लोग का पूरा ग्रुप और जो लोग भी है उसको, वो 4 फीट का हम लोग भरनी करवाएंगे। और हमको मालूम है सैयदी भाई और हमारे MLA इसके लिए पूरा हमको ताम देंगे। सबसे पहले मैं सब पत्रकार का शुक्रगुजार हूँ कि आज सब यहाँ पे जमा होकर हमारी बात सुनने के लिए आए। हमारा ये जो मुहिम जो चलाए थे, सबसे पहले नासिर भाई ने फाउंडेशन के ऊपर इस मुहिम को चलाए, और उसके बाद तकरीबन लेट फास्ट होता गया, सब लोग आगे पीछे करते गए। लेकिन अब जब इस कब्रिस्तान में देखा गया कि जब मुर्दों को दफन करने के बाद इसमें मुर्दों की बेहुरमती हो रही, तो एक हमारी उसमें अंदर एक जोश उजागर हुआ और हम लोग खड़े हुए।
अब जब खड़े हुए तो हमने पूरे मुमरा के 22 नगर सेवक हर एक को जाके लेटर दिया, कलेक्टर को, कमिश्नर को, फिर महापौर को, विरोधी पक्ष नेता को, एमएलए साहब को, हर एक को लेटर जाके देने के बाद जितनी तंजीमें है, कब्रिस्तान कमेटी है, सबको दिया, मगर किसी ने एक ने भी हमारे को कोई मतलब उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखाया। हमने जब सैयद अली भाई साहब के पास ये चीज़ लेके गई तो सैयद अली भाई साहब ने हमारे को दो मरतबा अपने मीटिंग करने के बुलाया, और उसके बाद सैयद अली भाई साहब ने हमारे को ये आश्वासन दिया कि तुम लोग बेफिक्र रहो, मैं इस पर अपने दिल से पूरी तरीके से काम करूँगा, क्योंकि ये एक आम लोगों का मसला नहीं है, ये मरहूमिन का मसला है। जब मरहूमिन का मसला है तो मैं मेरी दिलो जान से पूरी मेहनत करके, मेरी पार्टी हो या ऊपर अपर लेवल का ब्रांच हो, हर जगह मैं अपनी पूरी कोशिश लगाऊंगा और ये भरनी करवा के रहूँगा। तो हमने 6 फुट की भरनी की मांगी थी, लेकिन सैयद अली भाई साहब ने कहा कि 6 फुट तो नहीं, इंशाल्लाह 4 फुट मैं ज़रूर करवा के दूंगा। तो हम उस आश्वासन पे 2 महीने से आज उनके पीछे चले रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो 2 महीने का टाइम दिया था उसके अंदर सैयद अली भाई साहब का मैं तहे दिल से पूरे मुमरा वासियों की तरफ से शुक्रगुजार हूँ। भरनी कौन करवा रहा है? ये भरनी, ये हमने जब लेटर दिया तो उसके पीछे सैयद अली भाई साहब ने काफ़ी मेहनत की है, क्योंकि हमारे को हर चीज़ में वो हमारे को व्हाट्सएप पे, फ़ोन के ऊपर, हर एक चीज़ में हमारे को बताते कि ये काम हुआ है। मैंने 50 लाख रुपये का डिमांड किया तो मैं उन्होंने बताई भी कि आप 50 लाख रुपये डिमांड किए उसमें नहीं हो पाएगा, तो बोले इंशाल्लाह तुम वो फिगर छोड़ दो, मैं 4 फुट तक तो करवाऊंगा। ऐसा कब्रिस्तान की भरनी को लेकर और भी सोशल मीडिया में ऐसे कई लेटर जो है वायरल किए गए कि भरनी की मांग की गई है, और भी कई लोगों ने किया था। देखो अभी जिन्होंने भी किया है, हम तो चाहते कि भाई सब लोग करो, कोशिश करो, सब लोग करो, लेकिन उसमें राजनीति कोई मत करो कि भाई हमारी पार्टी ने, हमारे इसने, उसने नहीं। ये कब्रिस्तान का मसला है, इसके अंदर जो राजनीति कर रहा है तो वो चीज़ बिल्कुल गलत है। मैं चाहता हूँ कि भाई आप लोग भी साथ में आओ, आप लोगों ने किया तो आपका हम शुक्रगुजार है, आपके सबसे पहले आपके शुक्रगुजार हैं। आप लोग मिलकर इसमें मट्टी डालने का जो भी काम हो रहा है, हम तो आपको प्रूफ के साथ बता रहे हैं। भरने का काम चालू हो गया है या चालू होगा? अभी जहाँ तक खबर आई है कि मट्टी बाहर अभी गिरना शुरू हुई, उससे पहले ही लोग जाकर वहाँ पर फोटोबाजी शुरू कर दी। अभी ये चीज हमारे को पूरी तरह से पता नहीं है। कल सैयद अली भाई से मेरी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, उनसे मैंने कल दोपहर का टाइम लिया हूँ। अब कल दोपहर में 2 बजे या हमारा ग्रुप जो भी है उनका शुक्रिया अदा करने कल जाने वाले उनके ऑफिस पे, या शाम को, दोपहर या शाम को जाने वाले। अगर आप लोग वहाँ आ सकते हैं तो बहुत बेहतर काम होगा। अगर सैयद भाई के सामने उनको हम लोग शुक्रिया का लेटर देंगे, क्योंकि उन्होंने हमारी बात रखी और ये काम करने में हमारी मदद की। नसीर भाई, आपकी कोशिश थी फाउंडेशन की कि वहाँ पे भरनी होनी चाहिए, अब भरनी का काम भी शुरू होता है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की क्या वजह? सिर्फ रखने की वजह ये है, यानी कि इसका क्रेडिट कोई और ले रहा है? नहीं, क्रेडिट के लिए नहीं, हमको क्रेडिट चाहिए। हम तो पहले से ये सैयद अली भाई साहब के ऑफिस में और जितने नगर सेवक के पास गए थे सबको ये बोले थे कि हमको ये नहीं कि हमारे फाउंडेशन ने किया, आप खड़े रहकर करवा दो, लेकिन ये काम करवा दो, क्योंकि ये मसला मरहूमिन का है। हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद सिर्फ ये है कि पहले जो हुआ, जो भी XYZ टेंडर पास हुआ उसके अंदर जो भी भरनी हुई, जो भी कुछ हुआ, हमको उसके ऊपर तनकीद नहीं है। मगर अब की बार जो 50 लाख रुपए का टेंडर पास हुआ है, तो चाहे विधायक की निधि से हुआ हो या और कोई निधि से हुआ हो या जिसके भी प्रेशर से हुआ हो, जिस ऑफिसर के हाथ में ये काम सौंपा गया है और जिस ऑफिसर की निगरानी में ये काम रखा गया है, तो वो पूरा वो ऑफिसर उसको ईमानदारी से काम करे, ताकि आने वाले वक्त में हमारे को ये जिस तरह हमने भरनी चाहते हैं वो कब्रिस्तान की पूरी भरनी करके मिले, ताकि हमारे मुर्दों की बेहरमती ना हो। तो हमारा कोई फाउंडेशन का मसला नहीं कि हम ये बता दें कि हमने किए, हम तो चाहने हमारा फाउंडेशन उठाने का और काम करने का मकसद ये था कि लोग, हम लोग एक गैर सियासत, हमको सियासत से मतलब ही नहीं है। हम चाहते हैं कि सारे लोग जब आज देखेंगे कि एक काम के पीछे हमने काम किए तो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, तो ताकत बनेगी, और ताकत बनेगी तो कल दूसरे कोई काम के अंदर भी हम उतरेंगे तो लोग हमारे साथ रहेंगे, तो हमारा काम होगा। जैसे आज हम लोग ने अपने रेलवे को लेटर दिया, वहाँ पे लिफ्ट लगा देना, तो लेटर देने का मकसद ये कि हम अब ये काम पूरा करें, और ये काम के ऊपर सिर्फ हमको निगरानी करनी है कि कौन कर रहा है और कैसा कर रहा है, उसकी निगरानी कर रहे हैं, लेकिन साथ में आप दूसरा काम शुरू कर दे, ताकि और एक जो पूरी कौम का मसला है, आज यहाँ पे 12 लाख की आबादी है, अब वो बताए उन्होंने कि वो सलीम कुरैशी की जगह उसका कुछ मसला है, भाई मसला है बराबर, तो एक आदमी की वजह से 12 लाख आदमी तकलीफ उठाई है। अब ये पहले था एक प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हम आना जाना करते थे, आज वो प्लेटफॉर्म 1 नंबर की जगह हमको 3 नंबर पे डाल दिया है, तो हमारे घर वाले कैसा जाए? तो उसके लिए एक्सीलेटर की मांगनी की, और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम ये काम करेंगे और लिफ्ट का काम बहुत जल्द हम चालू करेंगे।